नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल एवं में। आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा स्थानांतरण के माध्यम के तीसरे पार्ट के बारे में, यानी तीसरा जो माध्यम है उसके बारे में। पहले दो माध्यमों में हमने RTGS और NEFT के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे IMPS के बारे में। तो आइए देखते हैं IMPS के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो इस टॉपिक के बारे में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। IMPS क्या है, IMPS की हिस्ट्री, IMPS को कौन कंट्रोल करता है और इसका समय क्या है, IMPS में फंड ट्रांसफर की लिमिट क्या है और इसका ट्रांसफर चार्ज क्या है, और IMPS द्वारा फंड ट्रांसफर करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो देखते हैं सबसे पहले IMPS होता क्या है, यानी IMPS क्या है। IMPS राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान करने का यानी मुद्रा ट्रांसफर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसके द्वारा हम कहीं पर भी यानी भारत में एक जगह से या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर हम मुद्रा का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी तत्काल भुगतान सेवा। इस सुविधा का उपयोग मोबाइल सर्विस के द्वारा किया जाता है। अगर हमारे पास मल्टीमीडिया मोबाइल ना है और सिंपल मोबाइल है तो भी हम इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। और इस सेवा का उपयोग करने के विभिन्न माध्यम है, जैसे हम मोबाइल से कर सकते हैं, ATM के द्वारा कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर IFSC कोड के द्वारा इसका उपयोग हम या फिर मुद्रा का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं IMPS का इतिहास, यानी IMPS की स्थापना कब और किसके द्वारा क्यों की गई। 2010 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने चार बैंकों के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की थी। वो चार बैंक कौन कौन से थे, SBI था, एक था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक था बैंक ऑफ इंडिया और एक था ICICI। इन चारों ने मिलकर शुरू में इस सेवा को शुरू किया था। बाद में नवंबर 2010 में इतनी प्रचलित हो गई थी कि सभी बैंकों ने इसको अपना लिया था, इस सेवा को अपना लिया था। तो अब देखते हैं IMPS को कौन कंट्रोल करता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस को यानी IMPS को NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, NPCI, और इसको कौन कंट्रोल करता है NPCI को, इसको RBI कंट्रोल करता है। जो ये IMPS हो गया, RTGS हो गया और NEFT वगैरह हो गए, ये NPCI के प्रोडक्ट का ध्यान रखना। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, NPCI, और NPCI की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है NPCI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको इसको याद रखना है, यानी राष्ट्रीय भुगतान निगम होगा, याद रखना। अब बात करते हैं समय। जैसे RTGS और NEFT में अपना एक समय होता था उनका जो फंड ट्रांसफर करने का, कि भाई सुबह आठ बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक किया जा सकता है, इसके बाद नहीं किया जा सकता, और बैंक हॉलीडे और गजट हॉलीडे की छुट्टी होती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये 24x7 इसकी सेवा होती है, यहाँ इसकी 2400 घंटे सुविधा होती है, इसमें कोई भी छुट्टी नहीं होती, और ये 365 दिन आप इसमें काम कर सकते हो या इसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अब फंड ट्रांसफर लिमिट क्या, जैसे RTGS में फंड ट्रांसफर लिमिट थी न्यूनतम
₹2,00,000 और अधिकतम कितने भी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कोई परमानेंट इसमें वो नहीं है, लिमिट नहीं है, बल्कि अलग अलग बैंकों द्वारा अपनी अपनी एक ट्रांसफर लिमिट होती है, उसके अनुसार ही हम वो हमारा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब इसका ट्रांसफर चार्ज, जैसे आरटीजीएस में एनईएफटी में इसका चार्ज वसूल किया जाता है, वो फिक्स होता है, इतने रुपए कर दिए तो इतने रुपए, तो इसमें भी फिक्स होता है। इसमें अलग अलग बैंकों द्वारा हिदायत किया जाता है कि हाँ भाई हम इतने रुपए हम निर्धारित करके इस पे इतने, तो उसके अनुसार ये होता है। और ध्यान रखना, इसमें पैसे रिसीव करने का कोई चार्ज नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री सुविधा होती है। जब हम पैसे सेंड करेंगे तब हमारे पैसे उन पैसों का चार्ज देगा, ये ध्यान रखना है। अब मैं रिपोर्टेड थी आईएमपीएस द्वारा ट्रांसफर करने के तरीके, इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे होया मोबाइल द्वारा कर सकते हैं, एसएमएस द्वारा कर सकते हैं, आईएफएससी कोड द्वारा कर सकते हैं, और हम आई कोड द्वारा इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहला, और इसके लिए सबसे पहला ये है बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड द्वारा, इसके द्वारा पैसा कैसे ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए हमारे पास जो बेनिफिशियरी होता है उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होना जरूरी है। ये दो चीजें अगर हमारे पास है तो हम इसका नेट बैंकिंग में जाकर और उसके अंदर हमें ये ऑप्शन चुनना होता है, और इसके बाद बेनिफिशियरी सारी डिटेल हम ऐड कर देंगे, और फिर हमें जितनी अमाउंट एंटर करनी है वो एंटर करके हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक एम पिन नंबर आएगा, उस एम पिन को हम फिल कर उसके अंदर एंटर करके हमारा ट्रांसफर हमारे फंड ट्रांसफर को हम प्रोसेस पूरी कर देते हैं। दूसरा है मोबाइल नंबर और MMID के द्वारा। इसके द्वारा कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो जो हमारा मोबाइल नंबर है जो रजिस्टर है बैंक अकाउंट में वो, और एक होता है आई कोड यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जो हमें बैंक द्वारा दिया जाता है। ये 7 डिजिट का होता है जिसमें हमारे शुरू के 4 डिजिट होते हैं, वो बैंक का यूनिक आइडेंटिफायर कोड होता है। तो ये कितने अंकों का होता है, ये 7 अंकों का होता है, ध्यान रखना। इसके द्वारा हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें दो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, क्या क्या, एक तो बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर जो उसमें बैंक अकाउंट में होता है, दूसरा उसका MMI कोड, दोनों हमारे पास है। तो हम सबसे पहले नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद हम ये ऑप्शन, उसके अंदर ये ऑप्शन होगा मोबाइल फंड ट्रांसफर टू मोबाइल नंबर MMI कोड, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर उसके अंदर एड कर देंगे, फिर हम अपने ट्रांसफर और बेनिफिशियरी के ट्रांसफर को इनिशिएट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक MPIN नंबर आएगा, उस MPIN नंबर को हम जैसे ही इसके अंदर एंटर करेंगे उसके बाद हमारा ट्रांसफर क्लियर हो जाएगा। और ये MPIN नंबर होता क्या है, मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफायर नंबर होता है, इसकी फुल फॉर्म मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफायर होती है। तो इसके द्वारा हम इस तरह से कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका क्या है, ATM के द्वारा। ATM के द्वारा हमें IMPS करना है, तो हमें सबसे पहले ATM में जाना होगा। वहां पे हम ATM में जाकर हमारा जो डेबिट कार्ड होता है उसको हम स्वाइप करेंगे, और जैसे स्वाइप करेंगे वो हमसे हमारा पिन एंटर करने के लिए कहेगा। जैसे हम पिन एंटर करेंगे उसके अंदर हमें ये फंड ट्रांसफर का ऑप्शन चुनना है, और जैसे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन चुनेंगे उसके अंदर हमें जो IMPS का ऑप्शन होगा उसको हमें सिलेक्ट करना है, फिर हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर और MMID कोड उसके अंदर डालना है। इसके बाद क्या करना है, जैसे हम ये डालेंगे
हमें अमाउंट एंटर करना है और सेंड कर देना है। जैसे हम सेंड करेंगे हमारे पास एक मैसेज आएगा कि हमारा जो फंड है वो ट्रांसफर हो गए, उसके द्वारा उस मैसेज द्वारा हम अपनी ट्रांजेक्शन के बारे में संपूर्ण डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैसेज हमारे पास ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर पेमेंट में कोई दिक्कत हो जाती है, मान लो कभी कुछ हो जाता है पेमेंट जैसे अटक गई हमारी पेमेंट, तो हम बैंक अकाउंट में जो हमारा मैसेज है वो दिखाकर हमारे पेमेंट को क्लियर कर सकते, हमारे फंड को हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया एटीएम। अब आ गया मैसेज द्वारा। मैसेज द्वारा अगर हमारे पास मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सुविधा है आईएमपीएस वाले, ये हम एक सिंपल फोन में भी कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी फोन हो। उसके अंदर हमें एक मैसेज करना होता है। मैसेज में क्या क्या करना होता है, सबसे पहले आईएमपीएस लिखना होता है, फिर बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर, फिर बेनिफिशियरी का एमएमआईडी कोड, फिर अमाउंट, उसके बाद एम पिन हमें दर्ज करना होता है। तो इस तरह से हमें मैसेज टाइप करके शेयर करना होता है, और जैसे ही मैसेज वहां पे जाता है बैंक में जाएगा, हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, और जैसे ही मैसेज आएगा उस समय हमारे हमारे अकाउंट से जितने पैसे ट्रांसफर किए वो उसके रिसीवर के खाते में जमा हो जाएंगे। तो ये थी आईएमपीएस के बारे में एक छोटी जानकारी। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है और पसंद भी आई है। अगर जानकारी समझ में आई हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।